फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉप एंड डिटर्जेंट्स। तो पहला है हमारा सॉप। सॉप वस्त्रों को साफ करने के लिए पानी के साथ साथ हमें किसी न किसी प्रकार के शोधक पदार्थ की आवश्यकता होती है। इसमें जो हमारा सॉप है वो एक अच्छा शोधक पदार्थ है। साबुन सबसे अधिक प्रचलित एक शोधक पदार्थ है। साबुन का जब वस्त्र से संपर्क होता है तो चिकनाई है या जो भी अन्य गंदगी है वो पानी में घुल जाती है और छोटे छोटे कणों में विभक्त हो जाती है और पानी में तैरने लगती है। और बाद में पानी से जब हम पानी में फैब्रिक को निकालते हैं वॉश करते हैं तो गंदगी जो है वो पानी में बह जाती है। तो जो सॉप है ये एक अच्छा शोधक पदार्थ है वस्त्रों की गंदगी को रिमूव करने के लिए, जो आज के टाइम में ज्यादा यूज किया जाता है। जो साबुन है, साबुन भी दो प्रकार की होती है, टाइप्स ऑफ सॉप। पहली है हमारी कठोर साबुन यानी हार्ड सॉप और दूसरी है हमारी नर्म साबुन यानी सॉप। तो जो पहली है हमारी हार्ड सॉरी कठोर साबुन। कठोर साबुन वह होती है जो पानी में आसानी से नहीं घुलती, यानी जब हम उसको फैब्रिक पर अप्लाई करते हैं तो उसको हमें ज्यादा रगड़ की जरूरत होती है, यानी ज्यादा फैब्रिक पर रगड़ने की जरूरत होती है, तब जाके हमारा जो फैब्रिक है वो वॉश होता है। जो हार्ड साबुन है वो पानी में जल्दी से नहीं घुलती और ना ही ज्यादा झाग। जो साबुन है हमारे कठोर साबुन वो उसको अधिक समय तक हमें फैब्रिक पर लगाना पड़ता है और साथ ही साथ हमारी जो मेहनत है वो भी ज्यादा पड़ती है। कठोर साबुन का यूज ज्यादातर उन फैब्रिक्स पर किया जाता है जो ज्यादा गंदे हो या ज्यादा मैले होते हैं या जिन पर स्टेन लगा होता है, ताकि उनको ज्यादा रगड़ने से उस गंदगी को रिमूव किया जा सके। जो हमारी हार्ड साबुन होती है वो कास्टिक सोडा, नारियल के तेल को इन सभी को मिला करके बनाई जाती है। जो हमारी हार्ड साबुन है वो हम गर्म मेथड यानी जो हमारी गर्म विधि है, गर्म विधि यानी हॉट मेथड के द्वारा बनाई जाती है। दूसरी हमारी नर्म साबुन यानी सॉफ्ट सोप। जो कोमल साबुन होती है उसको जो पानी में वो जल्दी घुलने लगती है और हार्ड साबुन के अकॉर्डिंग ज्यादा झाग होती है। नर्म साबुन हम तब यूज करते हैं अगर हमारा कोई फैब्रिक है, फैब्रिक का फाइबर बहुत ही सॉफ्ट है या कोई फैब्रिक सॉफ्ट है तो उसके रेशे ना खराब हो या ज्यादा कमजोर ना हो, उसके लिए हम नर्म साबुन का इस्तेमाल करते हैं, ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से बना रहे या जो वो इतनी जल्दी कमजोर या वीक हो जो उसके फाइबर से ना हो। तो जो हमारी नर्म साबुन होती है वो पानी में बहुत जल्दी घुलने लगती है और साथ ही साथ वो कठोर साबुन के अकॉर्डिंग है जो ज्यादा झाग। जो हमारी सॉफ्ट साबुन है उसको बनाने के लिए हम कास्टिक पोटास, उसमें हल्की वसा, जैतून का तेल, इन सबको मिला करके हम इसको एक ठंडे मेथड से यानी कोल्ड मेथड के द्वारा हम जो है साबुन नर्म साबुन को बनाते हैं। जो नर्म साबुन है वो भी हमें बाजार में कई रूप में मिलती है, जैसे टिकिया के रूप में हो, छोटी कोई छोटी टिकिया के रूप में हो, या जेल जेली के रूप में हो, या कोई लिक्विड लिक्विड के रूप में भी हमें, मतलब अलग अलग रूप में जो है साबुन हमें मिलती है। इसी तरह जो साबुन की निर्माण प्रक्रिया है यानी प्रोसेस ऑफ सॉप मेकिंग, साबुनीकरण के सिद्धांत पर साबुन निर्माण आधारित है। तेल में जब कोई भी बेस मिश्रित किया जाता है तो तेल के वसा अम्ल ग्लिसरॉल में विखंडित हो जाता है और ये वसा अम्ल उन्हें बेस के साथ मिलकर साबुन नामक यौगिक का निर्माण करते हैं। यानी जो साबुन की निर्माण प्रक्रिया है वो भी दो प्रकार से है, पहली है गर्म विधि यानी हॉट प्रोसेस और दूसरी है हमारी ठंडी विधि कोल्ड प्रोसेस। तो जो पहली विधि है वो है हमारी गर्म विधि। गर्म विधि में क्या होता है कि जब हम इस मेथड का यूज करते हैं तो इसमें जब हम साबुन का निर्माण करते हैं तो उसमें जो वसा लेते हैं, वसा भी दो तरह की होती है, एक तो होती है जानवरों से प्राप्त वसा और दूसरी होती है हमारी वनस्पतिक रूप से। तो इनमें से हम कोई सी भी वसा को लेते हैं और एक बड़े पात्र में पिघलाते हैं। जब ये वसा पिघलने लगती है तो इसमें हम थोड़ा सा कास्टिक सोडा डालते हैं और इस घोल को धीरे धीरे मिलाया जाता है। फिर तैयार, जब हमारा तैयार मिश्रण हो जाता है तो इस तैयार मिश्रण को हम गैस पे खूब ज्यादा पकाते हैं ताकि दोनों चीजें आपस में बहुत अच्छे से मिल जाए। और जब ये तैयार होने लगे तो इसमें थोड़े थोड़े समय के बाद इसमें बीच बीच में क्या होता है कि कास्टिक सोडा मिलाया जाता है, जिससे जो हमारा कास्टिक सोडा हम इसलिए मिलाते हैं जो हमारे फैब्रिक पर गंदगी है उसको आसानी से रिमूव किया जा सके। और यह उबलने की जो प्रक्रिया होती है, जब हम इसको आँच पर रखते हैं तो एक जो उबलने की प्रक्रिया है ये कम से कम 2 या 3 दिन तक कंटिन्यू चलती रहती है। और इसके बाद इसमें नमक का घोल मिलाया जाता है जिससे साबुन की घोल की जो अशुद्धियाँ होती है वो नीचे रह जाती है और जो हमारी ओरिजिनल साबुन होती है, जो हमारे साबुन का सही घोल होता है
बन जाता है। फिर आता है साबुन की जो ऊपरी परत होती है उसको हम अलग करके पानी में मिला करके फिर उसको दोबारा से पकाया जाता है या दोबारा से उबाला जाता है, और बीच बीच में उसमें फिर से कास्टिक सोडा का जो घोल है वो मिलाया जाता है। और जब ये साबुन की प्रक्रिया जब तक पूर्ण नहीं हो जाती इसको कंटिन्यू इसी तरह चलाते रहते हैं, और इसके बाद जो साबुन की परत होती है उसको हम अलग कर लेते हैं और उस परत को दोबारा से भाप के द्वारा पकाया जाता है या भाप के द्वारा उबाला जाता है। जब वो उबल जाए तो उसमें हमारी चार लेयर यानी चार सतह बन जाती है। जो हमारी ऊपर की लेयर होती है वो हमारी वेस्ट होती है यानी जो हमारी अशुद्धियां होती है चार लेयर होती है। जो हमारी दूसरी लेयर होती है वो हमारी होती है ओरिजिनल, जो हमारी ओरिजिनल साबुन होती है वो हमारी दूसरी लेयर होती है। जो हमारी तीसरी लेयर होती है तीसरी लेयर भी अशुद्ध में काले रंग की होती है, और जो हमारी लास्ट और चौथी लेयर होती है उसमें कास्टिक सोडा या अन्य द्रव्य होता है। तो जो हमारी दूसरी लेयर होती है वो हमारी वास्तविक लेयर होती है और ये एक अच्छे किस्म की साबुन होती है। तो यानी जो हमारी हॉट सोप है वो हमारे हॉट मेथड से बनाई जाती है जो कि एक कठोर साबुन बनती है। अब इसी के बाद आती है हमारी कोल्ड मेथड से बनी हुई साबुन यानी जो हमारी सोप सोप है। तो जो कोल्ड मेथड से बनाने के लिए जब हम साबुन तैयार करते हैं तो उसमें हमारी सामग्री यानी इंग्रेडिएंट्स चाहिए होते हैं, जिसमें हमारा कास्टिक सोडा है, नारियल का तेल है, मैदा या बेसन यानी या तो मैदा लेंगे या बेसन लेंगे दोनों में से कोई भी अच्छे लेंगे, और लास्ट है हमारा पानी। तो जो भी जितना भी हमारा इसमें सामान लिखा हुआ है अगर हमें लगता है कि अगर ये हमारा सामान ज्यादा है तो उसका हम हाफ कर सकते हैं। जैसे इसमें 1 किलो तेल है तो उसका हम हाफ यानी आधे किलो कर सकते हैं, पानी है तो 5 कप है तो उसका हम 2.5 कप कर सकते हैं। तो इसके जो मेथड होता है इसमें होता है कि सबसे पहले जो कास्टिक सोडा होता है उसको हम एक अलग बर्तन में पानी में घोल के रखते हैं, और जो दूसरा हमारा पात्र होता है उसमें हम क्या करते हैं जो हमारी बसवा है नारियल का तेल है उसको हम हल्का सा पिघलाते हैं यानी इसको हम पूरा गर्म नहीं करते उसको सिर्फ हल्का सा पिघलाया जाता है। पिघलाने के बाद उसमें हम मैदा डालते हैं, और मैदा डालने के बाद इसको हम कंटिन्यू चलाते हैं वो भी एक के डायरेक्शन में यानी डायरेक्शन को हम चेंज नहीं करते या ना ही उस बेस को तोड़ते हैं यानी जिस डायरेक्शन में पेस्ट को बनाते हैं उसी डायरेक्शन में कंटिन्यू चलाते रहते हैं, और धीरे धीरे जो हमारा कास्टिक सोडा का घोल है उस घोड़े उस घोल को हम उस पेस्ट में मिलाते चले जाते हैं। और जब ये पेस्ट बनता चला जाता है यानी जब ये गाढ़ा होने लगे तो इसको हम किसी पात्र में या जिस भी सांचा जो भी हमारा सांचा है साबुन का उस सांचे में डाला जाता है, और जब ये सूख जाती है कम से कम 5 या 6 या 7-8 घंटे बाद जब साबुन सूखने लगती है तो इसको हम जो भी साइज देना हमें वो उसी साइज शेप के अकॉर्डिंग उसकी हम कटिंग करनी जाती है। और जिस तरह से हमारी जो सॉफ्ट साबुन है वो कोल्ड मेथड के द्वारा बना ली जाती है। फिर आता है हमारा साबुन के कार्य और उसके गुण फंक्शन एंड प्रॉपर्टी जो देखिए साबुन के लिए इस्तेमाल किया जाने सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक पदार्थ है जो कि जानवरों की वसा या वनस्पति तेलों के साथ क्षारीय घोल से बनाया जाता है। यानी इसमें दो तरह की वसा का यूज किया जाता है, पहली जो जानवरों से प्राप्त की जाती है दूसरी जो वनस्पति रूप से प्राप्त की जाती है। साबुन का सबसे अच्छा जो कार्य होता है वो गंदगी को रिमूव करना होता है यानी फैब्रिक को साफ करना, जिसको हम जिस गंदगी को हम केवल पानी के द्वारा नहीं हटा सकते उसमें यानी हमें किसी न किसी शोधक पदार्थ की आवश्यकता होती है। साबुन का कार्य जो है वो वस्त्र की गंदगी को रिमूव करने के साथ साथ यानी वस्त्र की गंदगी को हटाने के साथ साथ वस्त्र में एक चमक ताजगी लाना भी होता है। जो ये हमारे साबुन है जो उत्पाद हमारे संक्रामक रोगों को रोकने के में जो है मदद करते और उन चीजों में सुधार लाते हैं जिनका हम उपयोग करते हैं यानी जो हमारे एनवायरनमेंट के जो हमारे एनवायरनमेंट को अच्छा या अधिक सुखद बनाते हैं यानी जो भी हम चीज इस्तेमाल करते हैं उसको उसको जब हम वॉश करते हैं तो वो साफ हो जाती है और जो हमारे आस पास के एनवायरनमेंट को अच्छा या सुखद बनाती है। लास्ट है साबुन का प्रयोग कीटाणुओं के प्रसार को रोकने के लिए किया जाता है, और ये जो भी व्यक्ति जैसे बीमार होते हैं या जो भी फैब्रिक जो हमारा गंदा होता है अगर हम उसको इन शोधक पदार्थों से अगर हम साफ करते हैं तो जो हमारे फैब्रिक को तो जिससे हमारी अधिक से अधिक बीमारियां जो है वो दूर होती है। साफ फैब्रिक पहनते हैं तो जाहिर सी बात है हमारा जो स्वास्थ्य है वो भी स्वस्थ रहता है। तो जो भी ये
कारें हमारे ये साबुन के कारें हैं कि जो फैब्रिक की गंदगी है उसको रिमूव करना और फैब्रिक में चमक को ताजा। इसी तरह हमारा दूसरा जो सोडा पदार्थ है वो है हमारा डिटर्जेंट यानी अपमार्जक। अपमार्जक एक रासायनिक यौगिक या एक सफाई एजेंट के रूप में उपयोग किया जाने वाला यौगिकों का मिश्रण है जो अशुद्धियों को दूर करने में सहायता प्रदान करता है और जो इनसे चिकनाई या धूलकण से जो गंदगी होती है वो आसानी से रिमूव करता है। वस्त्रों की धुलाई में जो इनका महत्वपूर्ण योगदान या महत्वपूर्ण स्थान होता है इनका प्रयोग जो है वो आसान होता है यानी जो डिटर्जेंट का जो प्रयोग होता है वो आसानी से कर सकते हैं। जब आज के टाइम में क्या होता है डिटर्जेंट का ज्यादा यूज किया जाने लगा है क्योंकि डिटर्जेंट के साथ हम बहुत सारे फैब्रिक को एक टाइम में एक ही साथ वॉश कर सकते हैं जबकि हम साबुन का यूज करते हैं तो हम एक अलग अलग फैब्रिक पर अलग अलग हर बार साबुन का यूज करते हैं जबकि हम डिटर्जेंट का यूज करते समय बहुत सारे फैब्रिक को एक ही पात्र में एक ही टब में भिगो करके उनको साफ कर सकते हैं। तो जो डिटर्जेंट का यूज हम करते हैं तो हमारे समय और जो हमारी मेहनत है उनकी बचत होती है और डिटर्जेंट का यूज आज के टाइम में ज्यादा किया जाने लगा है क्योंकि जब हम वॉशिंग मशीन के फैब्रिक को वॉश करते हैं तो उसमें हम डिटर्जेंट्स को भी डालते हैं ताकि जो हमारा फैब्रिक है वो अच्छे से वॉश हो जाए और कम टाइम में वॉश हो जाए क्योंकि जो हमारा डिटर्जेंट होता है वो पाउडर फॉर्म में होता है यानी वो पाउडर के रूप में होता है जो पानी में बहुत आसानी से घुल जाता है जबकि जो हमारी साबुन होती है वो कठोर रूप में या ठोस रूप में होती है जिसको घुलने में टाइम लगता है जिसको हम फैब्रिक पर हर एक फैब्रिक पर बारी बारी से लगाते हैं। तो डिटर्जेंट एक ऐसा पदार्थ है जिसको हम आज के टाइम में बहुत यूज करते हैं और जल्दी ही फैब्रिक को वॉश करते हैं। जो डिटर्जेंट है वो ना थोड़े ही मात्रा में लेने से हमारे बहुत सारे फैब्रिक को वॉश कर देता है जबकि साबुन को हम अलग अलग फैब्रिक पर हर बार अप्लाई करते हैं। इसी तरह जो है हमारा डिटर्जेंट्स के कार्य और यानी फंक्शन एंड प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट सफाई के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पदार्थ है जो अक्सर सिंथेटिक या मानव निर्मित सामग्रियों से बनाया जाता है और कुछ शर्तों के तहत साबुन के फैब्रिक का प्रदर्शन करता है। डिटर्जेंट के प्रयोग से वस्त्र धोने में कम समय में कम मेहनत लगती है और वस्त्र जल में खिमालने से आसानी से जल के साथ निकल जाते हैं। जैसे हमने अगर किसी फैब्रिक पर साबुन लगाई है और किसी कारण से हम उसको तुरंत पानी में ना निकाल पाए तो वो साबुन हमारे फैब्रिक पर सूख जाती है। जिसको जब हम निकालते हैं तो कहीं ना कहीं वो जो साबुन का दाग है वो फैब्रिक पर लगा रह जाता है जबकि जब हम डिटर्जेंट से हम अपने फैब्रिक को वॉश करते हैं तो डिटर्जेंट क्या है पानी के संपर्क में आने से आसानी से घुल जाता है जो फैब्रिक पर किसी भी प्रकार का दाग नहीं बनाता। डिटर्जेंट को साबुन की तरह बार बार वस्त्र पर नहीं रगड़ना पड़ता क्योंकि साबुन को क्या होता है कि हमें हर बार फैब्रिक पर हर एक फैब्रिक पर लगाना पड़ता है जबकि डिटर्जेंट को हमें बार बार फैब्रिक पर नहीं लगाना होता है क्योंकि उसको हम एक ही बार में पानी में जब हम फैब्रिक को भिगोते हैं तो फैब्रिक आसानी से जो है हमारा वॉश हो जाता है जिसकी गंदगी है वो पानी में घुलने लगती है जिसको हम कम मेहनत से फैब्रिक को रगड़ते हैं और आसानी से वॉश। जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो कठोर जल या जो भी कठोर जल होता है हमारा मृदु जल होता है उन दोनों जलों में आसानी से घुल जाता है। तो जो डिटर्जेंट का यूज है वो आसानी से यूज किया जा सकता है। तो ये दोनों हमारे आज के शोधक पदार्थ के सोप एंड डिटर्जेंट्स जो ये जो टॉपिक है यहाँ